हे एवरीवन, आज हम सीखेंगे सीएसएस प्रॉपर्टी जिसका नाम है मार्जिन। तो जल्दी से मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, अपनी बॉयलर प्लेट ऐड कर लूँगा इसमें। बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद मैं टाइटल में लिख दूँगा मार्जिन, और मैं यहाँ पर दो कंटेनर बनाऊँगा, दो डिव बनाऊँगा। एक का नाम है कंटेनर, एंड इसी डिव के अंदर मैं एक और कंटेनर बनाऊँगा जिसका नाम है बॉक्स। ये मैंने क्लासेस दे दिए दोनों को। अब मैं क्या करूँगा, एक जल्दी से स्टाइल टैग लगाऊँगा, और इस स्टाइल टैग में मैं थोड़ी सी सीएसएस लिख देता हूँ, ठीक है। बट आपको केवल मार्जिन पर ध्यान देना कि मार्जिन होता गया है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी से मैं लिख देता हूँ इसमें सीएसएस। ये देखिए, मैंने कंटेनर के अंदर मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है इसमें ब्लैक, ठीक है। इसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने लाइव सर्वर को ऑन करूँगा। ये देखिए, अभी कुछ भी नहीं आया इसमें। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक काम करते हैं, मैं बॉक्स के अंदर थोड़ी सी सीएसएस लिख देता हूँ जो कि है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं इसमें ब्लू दे देता हूँ, एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ, 500 पिक्सल की, ठीक है। और विड्थ दे देता हूँ, विड्थ भी 500 पिक्सल की, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको अपने लाइव सर्वर पर। ये देखिए, हमारा एक बॉक्स आ चुका है ब्लू कलर का, और इस बॉक्स का जो क्लास है वो है बॉक्स। इस डिव की जो क्लास है वो है बॉक्स, ठीक है। अब इसके पीछे एक और डिव है, इसके पीछे एक और डिव है, मतलब ये वाला डिव एक डिव के अंदर है, और वो डिव का नाम है कंटेनर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं मार्जिन का यूज़ करूँगा। मार्जिन मैं दे देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल की, ठीक है। 10 पिक्सल की मार्जिन मैंने जैसे ही दी, तो ये देखिए, ये 10 पिक्सल अंदर की तरफ हो गया। पीछे वाले बॉक्स में मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया था, और सामने वाले बॉक्स में जो आपको नीले कलर का दिख रहा है उसके अंदर मैंने ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर दिया है, उसके अंदर मैंने मार्जिन लगाई 10 पिक्सल की। इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से उसकी मार्जिन हो गई है 10 पिक्सल, उसने चारों तरफ से 10 पिक्सल का स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चारों तरफ के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही तरफ मार्जिन हो, मतलब टॉप में बॉटम में, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं सिंपली लिख दूंगा टॉप। अगर मैं टॉप में मार्जिन चाहता हूँ तो सेव करूँगा, ये देखिए टॉप में मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू और बढ़ा के देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 50 कर दी, तो 50 पिक्सल की टॉप से मार्जिन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बॉटम से करना, मतलब सबसे नीचे से करना मार्जिन, तो ये देखिए सबसे नीचे से मार्जिन आ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि टॉप बॉटम से करना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, टॉप बॉटम से करने के लिए मैं 0 पिक्सल और लगा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला 50 पिक्सल है, ये टॉप और बॉटम से मार्जिन देने के लिए, और ये 0 पिक्सल है ये लेफ्ट और राइट से मार्जिन देने के लिए, ठीक है। ये देखिए, टॉप और बॉटम से मार्जिन आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट और राइट से मार्जिन लेना, तो मैं इसको 0 कर दूंगा और मैं इसमें कुछ मार्जिन दे दूंगा, 50 पिक्सल की दे देते हैं। ये देखिए, लेफ्ट और राइट से मार्जिन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर भी 50 कर दूँ, तो चारों तरफ से 50 50 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी। अगर मैं केवल 50 पिक्सल ही लिखूँ, तो भी चारों तरफ से 50 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है।